पुलिस वालों ने डंडे मारे। मैं बदनाम गलियों में चला गया था, वहां पर पुलिस वाले की रेड़ पड़ गई और मैं पकड़ा गया। मेरे कपड़े उतरे हुए थे, मैं सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल टीकर, तू झूठ बोल रही हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो प्रैंक होने वाला है उसके लिए मैं कपड़े उतार के ऊपर जा रहा हूँ। वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, तो उसके लिए कपड़े उतारने की जरूरत है। तो देखते हैं वीडियो में कितना मजा आने वाला है, धमाल होने वाला है। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल बने और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। 1 मिनट लेटर। रंजना, अरे पहले मेरी बर्फ ला के दो तुम यार। बर्फ क्यों? ले आओ ना। चलो दोस्तों, कैमरा लगाते जल्दी। A few inches later. रुको जरा, सबर करो। पीछे क्या लगा रहे हो? चोट लग गई है क्या? एक्सीडेंट हो गया क्या? कपड़े क्यों नहीं बताओगे? कुछ तो बोलो ना। पुलिस वालों ने डंडे मारे। पुलिस वालों ने डंडे मारे क्यों? पुलिस वालों ने क्यों डंडे मारे? क्या काम किया तुमने? क्या किया बोलोगे? अरे यार, दिमाग खराब हो गया। क्या किया? क्या है बताओ तो सही, क्या हो गया? बोलोगे पुलिस वालों ने क्यों डंडे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोलो ना। चला नहीं रहा, गुस्सा कर रहा है। बोलो तो कुछ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है यार, बता दो ना। पुलिस वालों ने नंगा करके मारा, पुलिस वाले ही छोड़ के गए हैं गाड़ी में मुझे नंगा। जैसे तैसे मैंने दोस्त को बुलाया है मैंने। दोस्त ने मुझे पुलिस वालों से छुड़वाया है। पुलिस वालों ने नंगा करके क्यों मारा? क्यों मारा? बोलो ना। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। मैं तो ये कैसे बताऊं यार, मैं तो ये धोखा दिया, तेरे साथ गलत किया, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। क्यों धोखा दिया तुमने तो बताओ। सुनती चुची गंदा सा लग रहा है मुझे बहुत। बोलोगे क्या धोखा दिया मुझे बता दो, मेरे दिमाग बता दो। मैं अपने दोस्त के साथ बदनाम गलियों में चला गया था, वहां पर पुलिस वाले की रेड़ पड़ गई और मैं पकड़ा गया। पुलिस वालों ने डंडा मारा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दूसरी बार ऐसी जगह चले भी कैसे गए? मुझे दोस्त ले गया था धोखे से, वो कह रहा था कि चल दो जी एक जगह ले चलता हूँ, वहां पे थोड़ा टाइम पास करेंगे, चिल करेंगे। मैं चला गया एक कमरे में, मुझे लगा वो कमरा उसकी मतलब पार्टी करने की जगह होगी। वहां पे उसने मुझे ड्रिंक करा दी और जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरे सामने औरत थी। मेरे कपड़े उतरे हुए थे, मैं कपड़े पहनना था तब तक ये पहन पाया, तब तक पुलिस वाले की रेड़ पड़ गई। सच में मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है उस औरत ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बेहोश था, उसने मेरे साथ क्या किया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल टीकर, झूठ बोल रहे हो। मैंने मैं झूठ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सच में रंजना, सच में रंजना, मेरे दर्द हो रहा है, रुक जाओ। मेरे मैं शीशे में देख के आया, मेरे लाल पड़ गए। लाल बेटा, अब तो तुम्हारे लाल, पीले, हरे, नीले, काले सब पड़।
पड़ेंगे। जो तुम कर्म करके आए हो ना, अब तुम बचोगे नहीं। नहीं होगा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने कुछ बताया, नहीं होगा, सब पता होगा। मेरी बात का यकीन करो ना, मेरी बात का यकीन करो ना, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ यार, मैं तो देखो मैं ना ऐसे ना ऐसे नंगा पड़ा था। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो देखो बगल में तो औरत बैठी हुई थी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं होगा। नहीं पता, सब पता होगा। अय्याशी करने गए होगे। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा। तुम्हें छोड़ के तो मैं जाऊंगी ही। अब इस रिश्ते का तो एंड हो ही चुका बेटा। तुम्हारी इतनी छिजा लेदर होने वाली है ना, तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली, तुमने सोचा भी नहीं होगा। मुझे मुझे मेरे साथ तुमने मेरे साथ धोखा दिया तुमने। मुझे खुद बेइज्जती लग रही है। बेइज्जती गई तुम्हारी तेल लेने। बेइज्जती की तब सोचनी चाहिए थी जब अपने दोस्त के साथ आ गए। और कौन है तुम्हारा दोस्त, बताना जरा उसे। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गलती तुम्हारी है, मैं नहीं सुनूंगी। मुझ पर चिल्लाओ मत। तुम मैं नहीं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें बस इस चीज की पड़ी है कि तुम्हें धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। मालूम है पुलिस वाले रास्ते भर मुझे नंगे कैसे परेशान करते हैं, कैसे बेइज्जती करते लेकर आए, गाड़ी में नंगा बैठा के लेकर आए। ये सब वहां जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्यों गए? मुझे नहीं मालूम। जब मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे वहां ले आ रहा है। वो कह रहा कि चल तुझे पार्टी करा के लाता हूँ, चिल करा के लाता हूँ। जब वो घुस रहा था, ले गया था, तो मैं सोचा किसी बेचारे किसी गरीब का घर, किसी गरीब दोस्त है उसके घर में ले जा रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। बदनाम गली में तुम घुस गए, तुम्हें पता ही नहीं था कि ये घर है कि क्या है। ठीक है ना, अगर मुझे पक्का पता पड़ा कि तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम अपने सब कुछ जान के तुम गए थे, तो बेटा पुलिस को मैं फोन करके बुलाऊंगी। ठीक है ना? बोलने भी नहीं दे रही है। एक तो मेरी इज्जत लुट गई है, ऊपर से मुझ पे ही शक कर रही है। मेरी तो इज्जत लुट गई था सोते में। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। जब मैं कह रहा हूँ यार, मेरी बात सुनो ना, जब मैं जा रहा था तो वहां पे कुछ औरतें थी, वो ऐसे कर रही थी। तुम्हें क्या पता कुछ? तुम्हें तो कुछ नहीं पता। मैं सच्ची कह रहा हूँ, नहीं समझ पाया था। नहीं समझ पाया? इतना झूठ मत बोलो ना, तुम फोड़ दूर। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं बाहर से नंगा आया हूँ सड़क पर से, लोग मुझे देख रहे थे, कितना मुझे बेशरम लग रहा था। मैं ऐसा काम करता, है ऐसे काम। चल झूठा। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं। शकल देख रही तुम्हारी, क्या करूं? तुम्हारी पुजाई करूं, तुम्हारी सुताई करूं, क्या करूं? क्यों कि बदनाम गली में तुम दर्शन दे के आए हो, अपने नाम बदनाम करके आए हो। जिंदगी में सोचा आगे क्या आने वाला है, तुम्हारी कितनी बदनामी होने वाली है। नहीं, बदनामी नहीं होगी। उस औरत ने कहा दोबारा आओगे ना तो मैं तुम पर रेड नहीं पड़ने दूं। कल ही चले जाओ ना, है ना? अभी तो जे आधे कपड़े पहन के आए हो, अगली बार आओगे ना तो ये भी नहीं रहेंगे शरीर में, बिल्कुल नंगे आओगे। पीके पिक्चर की तरह, पीके पिक्चर का देखा आमिर खान, वो वाला हाल हो जाएगा तुम्हारे। मैंने कुछ नहीं किया, वही औरत कही थी दोबारा आना बाबूजी, दोबारा आना। मैं नहीं जा रहा। जा अभी जा। मैं नहीं जा रहा। जाओ ना। जा रहा हूँ। क्या करूँ, घर की औरत मेरी यकीन ही नहीं कर रही, तब क्या करूँ? जाओगे? अभी एक मिनट रुक।
ये जो मेरे कपड़े बाहर टंगे थे प्रैंक करने की वजह से बाहर टांगे आया था और नहीं सही खेल गया बैंच नहीं अभी इन्हों तो नीचे एंटर हो गया था वो तो ये दिखा दूंगा प्रैंक कर रहा था ठीक है मेरी जान अरे मेरे बाबू मेरे सोनम कितना अच्छा प्रैंक किया ना मैंने पति रेड में पकड़ा गया बदनाम गलियों में सच में कपड़े बाहर रखे आए थे है बाहर रखे आया था यार ऐसा तो नहीं है झूठ बोल ले कैमरा क्या लगा बता हीरा जब तू बर्फ लेने गई थी तो हमने कैमरा लगा दिया था अरे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि तुम्हारी इज्जत बची हुई है इज्जत बची है भैया सिर्फ एक ही ने लूटी है वो तू है हाँ बर साहब बबली भी थोड़ी बहुत लूट चुकी है लूटेला बहुत पिटोगे ठीक है ना ज्यादा दिमाग मत खराब कर एक बात हमेशा ध्यान रखना आई एम अ ग्रेटर प्रैंकस्टर देन यू और दूसरी बात ये याद रखना कि तू दूसरी है पहली तो बबली है बेटा जो साक्षात सामने होता है ना वही सच होता है जीवन का भले ही तुम खवाई खिला मतलब कहते हैं ना ख्याली पुलाव कुछ भी बना लो ठीक है वो चल, कुछ ठीक नहीं है होता। दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है फ्रेंड्स बाय बाय।